आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस के लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा, हमारे सैनिकों का आत्मबल ही हमारे सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका, सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाया जा रहा है ताकि लोग मेरे देश के नौजवान मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाए, उनको रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं, आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है? किसके फायदे के लिए कांग्रेस वाले सेना के संबंध में इतना झूठ फैला रहे हैं? आदरणीय सभापति जी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के देश के शहीद जवानों को उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था को खत्म किया था। दशकों तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं होने दिया और चुनाव जब आए तो 500 करोड़ रुपया दिखाकर निवृत्त सेना नायकों को मूर्ख बनाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन उनका इरादा था हो सके उतना वन रैंक वन पेंशन को टालते रहना। एनडीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की और आदरणीय सभापति जी, भारत के पास संसाधन कितने ही सीमित क्यों न हो, लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिन लड़ाई के बावजूद भी 1,20,000 करोड़ रुपए हमारे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के रूप में दिए गए। सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है
परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।